हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, मौसम रात भर से बारिश हो रही है और ये सुबह से झाड़ू मारने लगे। पर क्यों मार रही है? अब बारिश तो रेगुलर हो रही है और जबरदस्त बारिश हुई है रात भर। मौसम इतना ठंडा हो गया, टंकी का पानी गिरना शरीर में, बाप रे बाप। मैंने कहा थोड़ी सी गिरा, उसके बाद जो बाल्टी में भरा हुआ था ना, उस पर उससे ना आया। कह रही वो गीजर ऑन कर लो। मैंने कहा बिल कौन देगा, इसलिए मैं ठंडा झेल लूँगा। यार सारे पैर पर मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही, देखियो। तो गाइस करते हैं फिर आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। पहले कर लेते हैं नाश्ता, अब ऑफिस जाना है। रास्ते में ट्रैफिक जाम होगा और कपड़े और ख़राब होंगे, आज कपड़े भी ख़राब होंगे। देखिए अब देख रहा हूँ कि वाइट शर्ट पहनूँ बिना कपड़े के चले जाओ, इसके ना जवाब ऐसा उल्टे सीधे ही होते हैं। तो दोस्तों करते हैं फटाफट नाश्ता, फिर होते तैयार। 5-10 मिनट पहले निकलूँगा, नहीं तो रास्ते में आस्ते आस्ते चलेंगे ताकि मैडम पैरों को पोछ के आए अंदर। अरे मैडम वो प्रभु के निशान है, प्रभु के निशान को छुओ और आशीर्वाद लो, दुखी औरत। तो गाइज हो गए हम रेडी ऑफिस के लिए। कितने अच्छे बच्चे हैं हम लोग, ड्रेस पहन ली हमने अपनी, जो स्कूल में जाते थे ना पहले सुबह सुबह। हम तैयार हो गए, हम जा रहे हैं स्कूल। तो गाइज चलते हैं फिर ऑफिस, करते हैं ये गंदा मंडे की शुरुआत। पागल हो जाते हैं मंडे को तुम। तो दोस्तों इस टाइम बज रहे हैं शाम के 5, ऑफिस के बाहर थे हम, सोच रहे थे यार भूख लगी है, चल एक अपना आइसक्रीम शेक पीते हैं, तो पीने आए थे हम लोग। दोस्तों सिर्फ 20 रुपये का एकदम मस्त बनाया ना शेक ये और आइसक्रीम, मज़ा आ गया। कभी कभी रेडी वालों से भी पीना चाहिए। दोस्तों आ गया हूँ मैं घर ऑफिस से और इसको देखो दोस्तों, ये इतनी पागल हो रखी है ना खेलने के चक्कर में, जैसी मैं आया अंदर घुस गई और देखो, मतलब मैंने सॉक्स पहनी हुई है तो सॉक्स चाहिए उसको, सब कुछ चाहिए। इसको मारे ना पंजा इसके मुंह पे ऐसे करके, इसके करवा चौथ में ऐसे निशान पड़ा हुआ। भूतनी तो है, वैसे सच्ची भूतनी हो जाएगी चुड़ैल। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया। वो ये तो है ही पागल है, देखो देखो तेरा बैग खराब कर देगी, फिर मुझे मत बोलियो, मैं नहीं ना दिलवाने वाला, अब बहुत खर्चा हो गया। तो गाइस निकलते हैं जिम, ये तो बहुत रेडी है, ये भी आ गया तो सर चलो जिम, चलो भाई आज अंडे खाएंगे, चलो बाय। तो गाइस जिम से आ गया हूँ मैं और मेरा तो नहाने का मन नहीं कर रहा, ठंड हो रही है दोस्तों, ज़बरदस्त ठंड हो रही है, मतलब ठंड हो रही है ज़बरदस्त नहीं सकता, बट हंस रही है। ये सीटी मार रहा तेरे को, ये हंस रही है। नहीं दोस्तों मैं तो नहा नहीं रहा, एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो टंकी का पानी वो छत से लग रहा है। ये देखो ये नहा लिया, ये नहा के आ गया। हाँ तो इसने तो कमाल कर दिया दोस्तों, ये एक्चुअली से नहाया कि सुबह नहीं नहाया, जाओ तुम सुबह नहाता नहीं है। ये देखो ये पंजा मारने के लिए। तो आज दोस्तों मैंने कहा कि यार मैं तो नहाने रहा, तू नहा ले, मेरी बस की नहीं है। एक्चुअली में दोस्तों मौसम में अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो गया, कल से बारिश हुई है जो दो, और ग्राउंड फ्लोर की बात नहीं है यार, बाहर हम बाइक चला रहे तो भी ठंड लग रही है। अब दो दिन से जो बारिश हुई है ना रेगुलर, उससे मौसम जबरदस्त चेंज हो गया है और अब ठंड लग रही है। गीजर ऑन कर लो अभी से, तो बैठा रहे तबीयत खराब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि हम ऐसे ठीक हैं, हम साफ सुथरे बंदे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हम तो अगर हफ्ते भर बिना नहाए ना तो हम ऐसे ही महकते रहेंगे। अरे बदबू से ये ठंड कर रही है। देखो दोस्तों आज मेरे को आज एक्सरसाइज के बाद क्या खाने को मिल रहा है, अंडे हैं। हाँ बड़ी मतलब कि मेरे को ऐसे ही मिले, अगर वो नहीं होता तो नहीं मिलते ना, तुम तो ले जाते नहीं, खर्चा होता है। वो तो खैर है, सर्दियों में दोस्तों ये फायदा है क्योंकि आज मैं पहली बार अब सर्दियों में ब्लॉगिंग करूँगा। सर्दियों में ना फैन नहीं चलेगा, देखो क्योंकि हमारे फैन बंद रहेंगे, ये नहीं चलेंगे तो आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। तो भाई अब हम खाते हैं अंडे, अब तो रोज़ खाऊंगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे, रोज़ खाऊंगा अंडे। करो बिट्टी करो बिट्टी। तो दोस्तों ये आ गया हमारा डिनर, काबुली छोले, ये खीरा, ये तो खा रही है, ये क्या है, आलू थिंच के, ये आलू थिंच के मम्मी के लिए बनाया तुमने ना, अरे इसको भी मारूंगा थींच, इसको भी खींचूंगा मैं, इसको भी खींचूंगा अच्छी तरीके से। तो गाइस करते हैं डिनर, ठंड बहुत हो रही है, जमीन पे बैठे हैं अब ठंड लग रही है, तो पंखा हमने बिल्कुल बंद कर रखा है। अरे तो जबरो यार कहीं स्वेटर जैकेट निकालूँ, अभी नहा लो जाकर ठंडा पानी से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये तो बोलती रहेंगी, इनका तो काम किया है, मैं क्या कहते हैं।
तो गाइस आज मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया है बिकॉज कुछ काम में मैं फंसा हुआ था और मैं थक भी गया हूँ। तो बज रहे हैं रात के 12:15, तो मैं करता हूँ उस ब्लॉग को एंड। और एक्चुअली दोस्तों मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इस ब्लॉग को क्या टाइटल दूँ, कभी कभी ऐसे भी डाल देना चाहिए है ना जी। तो कर दोस्तों इस ब्लॉग को ये एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय। सुनो बला, मेरी एक सवाल का जवाब दोगे? हाँ। जिनकी शक्ल मिलती है वो कौन होते हैं? जिनकी शक्ल मिलती है वो कौन होते हैं? भाई भाई। और जिनकी अकल मिलती है वो कौन होते हैं? दोस्त। और जिनकी दोनों चीजें ना मिले वो कौन होते हैं? दूर में अजमेर में।